हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, टुडे आई एम डिस्कसिंग सोशल स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर्स सेकंड पार्ट। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप कैसे हैं। आई होप यू विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, इस समय कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी मेडिसिन है, वो भी आपको पता होगी, सोशल डिस्टेंसिंग। तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बाहर घर से बिल्कुल ना निकलिए, क्योंकि आपने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच में भी सुना होगा कि जो सीनियर सिटीज़न हैं प्लस जो बच्चे हैं 10 और 12 इयर्स के, उनको इस बीमारी से ज़्यादा दिक्कत है। सो प्लीज़ घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। वैसे मुझे आइडिया है कि आपको ये सब बातें पता होंगी या आपके पेरेंट्स ने आपको बताई होंगी, पर फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ में, जिनके साथ आप थोड़ा बहुत खेल लेते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, उनको भी ये चीज़ आप बताइए कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से वॉश करिए किसी भी साबुन से। ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाइफ बॉय साबुन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कोई भी साबुन हो, बट आपको हैंड वॉश जो है वो 20 सेकंड तक करना है। इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं और अपनी फैमिली को, अपने विलेज को और अपनी कंट्री को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब हम पॉइंट पे आते हैं। कल इस लेसन का मैंने फर्स्ट वीडियो आपको सेंड किया था, जिसमें हमने इंडिया के बारे में बात की थी, क्योंकि आपके चैप्टर का नेम है आवर ब्यूटीफुल कंट्री, और हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो हमने कल इसमें बात की थी कि जो हमारी कंट्री है वो एशिया महाद्वीप में है, और इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था कि ये जो है तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है, और ऐसी नहीं कि हमारी पूरी की पूरी कंट्री एक जैसी है, नहीं, कहीं इसमें क्या है, माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, मैदान हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मतलब काफ़ी तरीके की जो इसमें लैंड फॉर्म्स हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आज इसीलिए इस चैप्टर का मैं छोटा छोटा वीडियो नियर अबाउट 10 और 12 मिनट्स का ही बना के आपको सेंड कर रही हूँ, कि ताकि मेरी बातें और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको आप अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं आपको और अच्छे वीडियोज़ दे सकूँ। तो अब हम बात करते हैं। कल हमने ये बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और अब आज मैं आपको बताना चाहूँगी, इंडिया एक्सटेंड फॉर अबाउट 3,200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम क्या है, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक, या इसे आप लंबाई कह लीजिए कि इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर की है, और एंड फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है वो 3000 किलोमीटर है। या इसको अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक जो इसकी टोटल लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है, यानी 3200 किलोमीटर है, सॉरी, और
बंगाल की खाड़ी जो है, या बांग्लादेश से जो हमारी राजस्थान तक की पूरी लेंथ है वो 3000 किलोमीटर की है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि इसके फिज़िकल डिविजन्स, मतलब अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स या जो भी ये चीज़ें, कि मैंने इतने प्रकार से इतनी डिविजन्स आपकी इंडिया में पाई जाती हैं। अब हम उसको डिवाइड करते हैं कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहले जो हैं वो नॉर्थन माउंटेन्स हैं, फिर नॉर्थन प्लेन्स हैं, सॉरी, फिर ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, नेक्स्ट साउथर्न प्लेट्यूज है, नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, एंड 6 नंबर और लास्ट आइलैंड्स। यानी 6 तरीके का जो वर्गीकरण है वो आपके भारत का, भारत में पाया जाता है। अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं, द नॉर्थन माउंटेन्स। तो नॉर्थन माउंटेन्स यानी जो उत्तर की पर्वतमाला है, ये उसकी बात हो रही है, यानी कि जहाँ हिमालय सिचुएटेड है। द हिमालयस फ्रॉम द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और यहाँ और भी बहुत सारी पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं। मैनी माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद स्नो थ्रो आउट द ईयर। और आपको पता है यहाँ के जो पहाड़ हैं वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा नॉर्थन प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है मैदान, समतल मैदान। द फ्लैट एंड फर्टिल लैंड दैट लाई टू साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन्स आर द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। यानी फ्लैट मतलब होता है समतल, और फर्टिल मतलब होता है उपजाऊ, यानी कि समतल और उपजाऊ भूमि जो पर्वतों के बाद आती है वो क्या है, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स हैं। अब ये फर्टिल क्यों है, ये फर्टाइल इसलिए हैं क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ यहाँ पर सब जो हिमालय से निकलती हैं वो अपने साथ यहाँ कई तरीके की मिट्टियों को बहा के लेकर आती हैं, और सिंचाई में हमारी जो फसलें हैं उनको हेल्प करती हैं। तो जब आपको पूरे साल पानी मिलता रहेगा, आपकी जो फसल है उसको अच्छे से उसकी सिंचाई होगी, तो क्या होगा, अच्छा सा जो है वो फूड प्रोड्यूस होगा, अनाज अच्छे से उगेंगे, इसलिए इसको फर्टिल एरिया बोला जाता है। फ्लो थ्रू द प्लेन्स एंड मेक देम फर्टिल। तो जब इसमें पानी लगातार बहता रहता है नदियों से, तो ये ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट भी ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स के अंतर्गत ही आता है। जो आपका उत्तर प्रदेश है वो जो है इस समतल मैदान के अंतर्गत है। जैसे आप यहाँ देखते हो ना, यहाँ अच्छी सी फसलें, हर तरीके की फसलें यहाँ हम जो है उगा लेते हैं। जबकि अदर स्टेट्स में क्या है, कहीं सिर्फ मसालों की ही खेती होती है, कहीं सिर्फ चावल ही उगाया जा सकता है, या कहीं थोड़े जो आपके मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, इन्हीं चीज़ों की खेती हो सकती है। पर आपका जो ये नॉर्थन प्लेन्स है, एरिया है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ देखिए गन्ने की भी बुआई होती है, चावल भी होता है, धान भी होता है, दालें भी लोग बोते हैं। तो इट मीन्स कि ये हर तरीके की फसल के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। फिर नंबर थर्ड है आपका द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब होता है बेटा मरुस्थल। मरुस्थल यानी कि जहाँ सैंड ही सैंड, बालू ही बालू आपको चारों तरफ दिखाई देती है। द ड्राई एंड सैंडी एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। यानी सूखा, शुष्क और जो पूरा बालू से भरा हो, ये एरिया आपका उत्तर पश्चिमी भाग में आता है, जिसे हम ग्रेट इंडियन डिज़र्ट कहते हैं। और वही जो है वो थार डिज़र्ट पाया जाता है आपका, विच इज़ कॉल्ड, और उसे ही हम थार डिज़र्ट कहते हैं, यानी कि थार मरुस्थल। आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे हम। नंबर 4, द साउथर्न प्लेट्यूज यानी दक्षिणी पठार। द प्लेट्यू रीजन ऑफ आवर कंट्री इज ट्रेंगुलर इन शेप। अब आपको पता है कि जो प्लेट्यूज हैं हमारी कंट्री में, उनकी शेप जो है ट्रिंगुलर है, ठीक है, जैसे त्रिभुज के आकार की, कुछ इस ढंग से है। इट लाइज टू द साउथ टू द नॉर्थन प्लेन्स। और ये
दक्षिण से उत्तर की तरफ एंड एक्सटेंडेड कन्या और कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। द प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड, और पठारों को टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि पठार आपको पता है रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं जो बहुत ही टफ होती हैं, सॉलिड होती हैं, तो इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल कहते हैं बेटा वो एरियाज जो नदी के किनारे, तटीय क्षेत्र जिसे कहते हैं हम, उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स ऑक्यूपाई द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। पश्चिम में ये कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो पश्चिमी घाट से अरेबियन सी तक हैं, एंड द लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और बे ऑफ बंगाल पूरब की तरफ, बे ऑफ बंगाल में इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। आवर कंट्री हैज़ अ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। और आपको ये जानने के लिए, जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे भारत की कोस्ट लाइन है, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड की, वो बहुत ही रिच है, बहुत ही ब्यूटिफुल है। ठीक है, अब नंबर सिक्स पे आते हैं, द आइलैंड्स। आइलैंड्स कहते हैं द्वीप को, यानी टापू जिसे आप कहते हो नॉर्मली लैंग्वेज में से, टापू कहते हो आप, चारों तरफ से पानी होता है, बीच में थोड़ा सा एरिया जो होता है वो ज़मीन होती है, वो हमारा आइलैंड होता है। देयर आर द आइलैंड चेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंडियन पेनिसुला। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है इसके चारों ओर एक चेन सी बनी हुई है। द आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स लोकेटेड हैं वो अंडमान और निकोबार हैं। एंड द आइलैंड्स सिचुएटेड इन द अरेबियन सी आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स। और अरेबियन सी में जो हमारे आइलैंड्स सिचुएटेड हैं वो है लक्षद्वीप। तो ये हमारे आइलैंड्स हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आपको, कल तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि भारत की, इंडिया की फिज़िकल फीचर्स कौन कौन से हैं, और इस वीडियो में मैंने आपसे बताया है कि फिज़िकल डिवीज़न कौन कौन से हैं, उनको हमने सिक्स पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट माउंटेन्स, सेकंड प्लेन्स, थर्ड डिज़र्ट, फोर्थ प्लेट्यूज, फाइव कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स आइलैंड्स। फिर मैंने इन सिक्स पार्ट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कि माउंटेन्स हैं यानी वो हिमालय पर्वत से रिलेटेड है, नॉर्थन प्लेन्स हैं वो जो है समतल मैदान से रिलेटेड हैं जहाँ हम लोग फसलें उगाते हैं, फिर जो हमारा डिज़र्ट है वो इंडियन डिज़र्ट है वो थार मरुस्थल से रिलेटेड है, फिर साउथर्न प्लेट्यूज़ की बात की मैंने, यानी दक्षिण का पठार जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं और जो कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर फिफ्थ मैंने कोस्टल प्लेन्स की बात की, जिसमें मैंने आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में बताया, और ये तटीय मैदान कहलाते हैं, और ये भी साथ में मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही रिच और ब्यूटीफुल हैं। और सिक्स जो है वो आइलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रायद्वीप में इसकी एक चेन सी बनी हुई है, जैसे बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उसी तरीके से अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड हैं। तो इन टॉपिक्स पे आज हमने बात की, और इसके साथ साथ एक मैंने फ़ोटो भी इसमें लगा रखी है, उसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कलरफुल डॉट से क्लियर है, जैसे जो लाइट ब्राउन सा है उसमें देखिए ये आपके क्या हैं, ये माउंटेन्स हैं, यानी कि नॉर्थन माउंटेन्स जिनके बारे में मैंने अभी बात की। फिर जस्ट उसके नीचे जो लाइट ब्लू है ये हमारा नॉर्थन प्लेन्स है। फिर थर्ड नंबर पे जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं वो हमारे ग्रेट डिज़र्ट्स हैं। फिर उसके बाद पिंक कलर आप देख रहे हैं, वो देखिए ये ट्रेंगुलर सा बना हुआ है ना, देखने में लग रहा है ना आपको कि त्रिभुज सा बना हुआ है, जिसको हम टेबल लैंड कहते हैं, ये हमारे प्लेट्यूज यानी पठार हैं। और फिफ्थ नंबर पे कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये देखिए जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर से साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है गुजरात से लेके ये ऐसे इधर से और उड़ीसा इधर बे ऑफ बंगाल तक, ये क्या है हमारे, ये कोस्टल प्लेन्स हैं। और इसके बाद ये देखिए इसमें आपने दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जैसे मैंने आपको बताया था अंडमान और निकोबार,
और जो इस तरफ आपका ये दिया हुआ है अरेबियन सी, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है लक्षद्वीप, यानी ये हमारे आइलैंड्स हैं। और ये जो ब्राउन एरिया है ये नॉर्थन माउंटेन्स का है। तो ये मैप में आपने देखा अच्छे से, और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया हो तो वीडियो आप अगेन एंड अगेन फिर से देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और ज़रूर इसको देखिएगा, क्योंकि फिर तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आएंगे। और जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अगर वो आपके कांटेक्ट में हैं तो उन्हें भी ये मैसेज कन्वे कर दीजिए, ताकि वो भी जो अपनी स्टडी है उसको गोइंग ऑन करके रखें, ताकि उनकी भी पढ़ाई आसानी से होती रहे। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ आई होंगी बेटा तो वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।